सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें सारी वीडियोस की नोटिफिकेशंस पाने के लिए। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर लेक्चर ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट व्हिच इज आवर सीएमए इंटर सब्जेक्ट एंड इन पेपर 9 कवर्स 30 मार्क्स यू ऑल नो एंड डू लाइक द वीडियोस इफ यू आर एंजॉयिंग द कंटेंट बिकॉज लाइक इज इक्वल्स टू मोटिवेशन एज आई ऑलवेज से। And in this video, we will be starting not with Pestle framework as you can see on the screen. First, I will share you the motivational cue. Then we will proceed with the topic and we'll discuss about today's topic in this video. So without wasting much time, let's begin. So the motivational cue for today is never forget why you started. Yes, never forget why you started. So it will give you a boost in your course, right? So today's topic for this lecture is Porter's 5 Forces Framework. Now you will say that, sir, you have skipped Pestle Framework. So I will say that I taught you PEST analysis, remember? So it is kind of similar to that, and you can watch the video of PEST analysis and you will be able to remember all the things because it is almost same. So I won't be teaching Pestle Framework. I will show you, just give me a moment. See here, it covers political factors, which I have already taught you, economic factors, then social factors, technological factors, legal factors, and here it is environmental factors. So you all know that, and I have already taught some. It is just an extension of that PEST analysis, I think, like that. So you can do it yourself, and in this video we will be doing Porter's 5 Forces Framework. So without wasting much time, let's begin. The 5 Forces Framework helps to identify the sources of competition in industry or sector. The 5 Forces Framework है वो help करता है कि इसमें identify करना sources of competition की competition की sources क्या क्या हैं कि industry और sector में. When using this framework to understand competitive forces, it is essential to keep in mind the following. ठीक है, जब हम इस framework को use कर रहे हैं, इस competitive forces को understand कर रहे हैं, तो essential है कि हम अपने mind में कुछ चीज़ें जो हैं वो ध्यान में रखें. वो क्या क्या चीज़ें हैं? 5 चीज़ें हैं. इट मस्ट बी यूज्ड एट द लेवल ऑफ स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट्स एंड नॉट एट द लेवल ऑफ होल ऑर्गेनाइजेशन. जैसे कॉर्पोरेट प्लानिंग में हम पूरे कंपनी की बात करते हैं, राइट? पूरा कंपनी की बात नहीं करनी है यहाँ पर, हमें स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट्स की बात करनी है, उनके लेवल की बात करनी है Porter's 5 Forces Framework में. The framework must not be used to give a snapshot in time. It is important not just to describe these forces but also to understand how they can be countered and overcome in the future. इस फ्रेमवर्क में सिर्फ इसका मोटिव ये नहीं है कि हम उसको समझ लें कि क्या क्या चैलेंजेस है, बट उसको ओवरकम कैसे करना है, उनको काउंटर कैसे करना है, ठीक है, वो भी हमें फ्यूचर में कैसे ओवरकम करना है वो भी हमें इसमें देखना रहेगा. दिस कॉम्पिटेटिव फोर्सेज विल नॉट ओनली बी सब्जेक्ट टू स्टडी चेंजेस इन टू द फ्यूचर बट मोर इंपॉर्टेंटली द डिसकंटिन्यूटी इज कॉज्ड बाय चेंजेस इन द मैक्रो एनवायरमेंट. दिस कॉम्पिटेटिव फोर्सेज विल नॉट ओनली बी सब्जेक्ट टू स्टडी चेंजेस इन टू द फ्यूचर. ये कॉम्पिटेटिव फोर्सेज जो हैं सिर्फ स्टैंडी चेंजेस के बारे में नहीं बताएंगे फ्यूचर की, बट मोर इम्पोर्टेंटली द डिसकंटिन्यूटीज कॉज्ड बाय, कि क्या क्या चीज़ें बंद हो जाएंगी एक माइक्रो एनवायरनमेंट डिसकंटिन्यूटीज चेंजेस से, क्या क्या डिसकंटिन्यूटीज हो सकती हैं, क्या क्या चीज़ें बंद हो सकती हैं माइक्रो एनवायरनमेंट अगर चेंजेस आते हैं, वो भी हमें बताएगा. द 5 फोर्सेज आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर. ये जो 5 फोर्सेज हैं वो दूसरे से इंडिपेंडेंट हैं, बिल्कुल भी डिपेंडेंट नहीं है. कॉम्पिटेटिव बिहेवियर मे बी कंसर्न विद डिसरप्टिंग दिस फोर्सेज एंड नॉट सिंपली अकोमोडेटिंग दैम. जो कॉम्पिटेटिव बिहेवियर है वो इन फोर्सेज को डिसरप्ट करते हुए कंसर्न होता है एंड नॉट सिंपली अकोमोडेटिंग दैम. अकोमोडेट एक साथ नहीं होता बल्कि अलग अलग होता है. मेनली सिम इसका मतलब ये है कि एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है सिंपली, ठीक है. तो अगर हम बात करते हैं 5 फ्रेमवर्क की, तो उसमें से सबसे पहला हमारा आता है थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंट्स इन द मार्केट. सबसे आपको हेडिंग से ही समझ में आने लगेंगी चीज़ें कि थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंट्स इन द मार्केट का मतलब क्या. दैट मीन्स समवन न्यू इज कमिंग इनटू द मार्केट एंड इन योर बिजनेस विच विल कॉम्पीट विद योर बिजनेस. सो इफ न्यू बिजनेस कैन ईजिली एंटर द मार्केट देन द कॉम्पिटिशन ऑफ दैट मार्केट इज हाई. ऑब्वियसली इफ एनी वन कैन ईजिली एंटर अ बिजनेस विच यू आर ऑलरेडी इन देन द कॉम्पिटिशन ऑफ दैट मार्केट इज हाई. मैनी बिजनेस बहुत एस्टेब्लिश एंड न्यू कम्पीट फॉर अ शेयर ऑफ प्रॉफिट इन द मार्केट. ठीक है, बहुत सारे बिजनेस होते हैं जो पहले से एस्टेब्लिश हैं, नए हैं, वो कम्पीट करते हैं किसके लिए? प्रॉफिट के शेयर के लिए मार्केट में. योर पोजिशन कैन बी अफेक्टेड बाई पीपल्स एबिलिटी टू एंटर योर मार्केट. हमारी पोजिशन, मेरा कोई फॉर्म है, ठीक है, उसमें पीपल की एबिलिटी कितनी है उस मार्केट में आने के लिए, उससे अफेक्ट हो सकता है मेरा प्रॉफिट, मेरी पोजिशन. सो थिंक अबाउट हाउ इजिली दिस कुड बी डन. हाउ इज easy it is to get a foothold in your industry or market, how much would it cost and how tightly is your sector regulated. If it takes little money and effort to enter your market and compete effectively, or if you have little protection for your key technologies, then rivals can quickly enter your market and weaken your position. Matlab
अगर आपके पास आपके बिजनेस में किसी को आने के लिए थोड़ा सा पैसा और थोड़ा सा एफर्ट लगता है, ठीक है, और वो कम्पीट कर, फिर वो आराम से कम्पीट कर सकता है आपसे, और आपके पास अपनी की टेक्नोलॉजी से बहुत ही लिटल प्रोटेक्शन है, तो राइवल्स जो हैं आपके जो कंपटीटर्स हैं वो बहुत जल्दी आप मार्केट में एंटर करेंगे और आपकी पोजीशन को वीकेंड मतलब कमज़ोर कर देंगे। इफ़ यू हैव स्ट्रॉन्ग एंड ड्यूरेबल बैरियर्स टू एंट्री, अगर कोई ऐसा बिजनेस जहाँ पे हर कोई नहीं एंटर कर सकता, देन यू कैन प्रिजर्व अ फेवरेबल पोजीशन एंड टेक फेयर एडवांटेज ऑफ इट, तो आपकी फेवरेबल पोजीशन रहेगी और आप वहाँ पर फेयर एडवांटेज ले पाएंगे। ऑन द अदर हैंड इट्स मच हार्डर टू एंटर द स्मार्टफोन मार्केट, यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल भी इंक्लूड कर दिए गए हैं, ठीक है, इट्स मच हार्डर टू एंटर द स्मार्टफोन मार्केट, स्मार्टफोन मार्केट में एंटर करना बहुत मुश्किल है। द ग्लोबल रिकॉग्निशन ऑफ टॉप इंडस्ट्री ब्रांड लाइक एप्पल एंड सैमसंग सर्व एज अ बैरियर टू एंट्री फॉर न्यू बिजनेस, क्योंकि सैमसंग और एप्पल इसमें लिखा हुआ है, ठीक है, एप्पल और सैमसंग जो है सर्व करता है बैरियर टू एंट्री फॉर न्यू बिजनेस, नए बिजनेस नहीं चल पाते इनकी वजह से, एज डज द कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग अ स्मार्टफोन। सम ऑफ द टेक्नोलॉजी माइट ऑल्सो भी प्रोटेक्टेड बाई पेटेंट्स, कुछ टेक्नोलॉजी पेटेंट से भी प्रोटेक्टेड रहती है, ठीक है, क्योंकि एप्पल के जो कॉपीराइटेड कुछ चीज़ें हैं टेक्नोलॉजीज हैं, ठीक है, वो ज़्यादा कुछ अपडेट नहीं करते, थोड़ा सा अपडेट करते हैं, बट उनकी गुडविल ऐसी है कि वो कॉस्ट अपनी हाई रखते हैं तब भी लोग उसको परचेज करते हैं। द लो थ्रेट ऑफ एंट्री फॉर दिस इंडस्ट्री कीप्स इट लेस कॉम्पिटिटिव एंड द पोटेंशियल प्रॉफिटेबिलिटी फॉर एग्जिस्टिंग कंपनी रिमेंस हाई, तो इसमें बैरियर्स टू एंट्री है तो इसमें क्या रहेगा, कंपटीशन कम रहेगा और प्रॉफिटेबिलिटी ज़्यादा रहेगी जो पहले से वहाँ पे एस्टेब्लिश है। तो बेसिकली थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंस इन द मार्केट यू कैन एक्सप्लेन इट वेरी वेल इन योर फॉर्म, बेसिकली इट इज ऑल गोइंग अराउंड आवरसेल्फ, राइट। नाउ द सेकंड हेडिंग इज थ्रेट ऑफ सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट और सर्विसेज, सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट या सर्विसेज मतलब कि किसी चीज़ का सब्स्टिट्यूट, जैसे कि सोप है तो लक्स डिटोल का भी आता है, सोप लक्स का भी आता है, तो अलग अलग, ठीक है। द नेक्स्ट फैक्टर टू कंसिडर वैन यूजिंग माइकल्स पोर्टर्स फाइव फोर्सेज टू एनालाइज अ मार्केट कॉम्पिटिटिवनेस इन वेदर कंज्यूमर्स कैन ईजिली स्विच टू अनदर प्रोडक्ट और सर्विस, सो बेसिकली दिस फ्रेमवर्क डिस्क्राइब्स अबाउट वेदर कंज्यूमर्स कैन ईजिली स्विच टू अनदर प्रोडक्ट और सर्विस। यहाँ पर एग्जाम्पल देखते हैं, फॉर एग्जाम्पल कंज्यूमर्स हुआ थर्स्टी आफ्टर एक्सरसाइज कुड चूज फ्रॉम स्पोर्ट्स ड्रिंक ब्रांड्स लाइक गेटोरेड और पावरएड, हाउएवर सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट्स इंक्लूड विटामिन वाटर, क्रिस्टल लाइट, प्लेन वाटर, आइस टी, सॉफ्ट ड्रिंक्स और जूसेस, एवरी सिंगल ऑफ वन ऑफ दिस ब्रांड इज कम्पीटिंग टू क्वेंच योर थर्स्ट इवन दो दे डो नॉट ऑल फिट इन टू द सेम कैटेगरी, तो सारे सेम कैटेगरी में नहीं है बट फिर भी ये प्यास तो बुझाते हैं ना, तो एथलीट कुछ भी एक्सरसाइज के बाद जो भी कस्टमर जो है थर्स्टी है तो वो कुछ भी कंज्यूम कर सकता है, तो बहुत सारे सब्स्टिट्यूट अवेलेबल हैं, ठीक है। This refers to likelihood of your customers finding different way of doing what you do. For example, if you supply a unique software product that automates an important process, अगर आपने कोई एक यूनिक सॉफ्टवेयर बनाया, ठीक है, प्रोडक्ट बनाया, सॉफ्टवेयर बनाया जो एक इंपॉर्टेंट प्रोसेस को ऑटोमेट करता है अपने आप, पीपल में सब्सिट्यूट इट बाय डूइंग द प्रोसेस मैनुअली और बाय आउटसोर्सिंग इट, तो वो बंदे क्या करेंगे, लोग क्या करेंगे, उसको या तो मैनुअली कर लेंगे या फिर वो किसी और को दे देंगे करने को, ठीक है, तो आपका सॉफ्टवेयर काम ही नहीं आएगा। अ सब्सिट्यूशन दैट इज ईजी एंड चीप टू मेक कैन वीकन योर पोजिशन थ्रेट एंड योर प्रॉफिटेबिलिटी, ठीक है। अब मैं सारा रीड नहीं करूँगा बट आपको समझाता जाऊँगा कि क्या क्या इसका मतलब है, ठीक है। डिग्री ऑफ थर्ड जो आता है वो आता है डिग्री ऑफ रिवेलरी अमंग कॉम्पिटिटर्स, येस, सो डिग्री ऑफ रिवेलरी अमंग कॉम्पिटिटर्स एंड इंडस्ट्री डिग्री ऑफ कॉम्पिटेटिव रिवेलरी कैन ऑल्सो इन्फ्लुएंस द प्रॉफिट अपॉर्चुनिटीज ऑफ पोटेंशियल एंट्रेंस, थिंक अबाउट वेदर द इंडस्ट्री डोमिनेटेड बाय वन और टू ब्रांड, दिस लुक्स एट द नंबर एंड स्ट्रेंथ ऑफ योर कॉम्पिटिटर्स, हाउ मेनी राइवल्स डू यू हैव, हु आर दे एंड हाउ डज द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज कंपेयर विद योर्स। डिग्री ऑफ रिवेलरी मतलब कि एक रिवेंज करना कंपटीटर के साथ जो बहुत ज़्यादा चैलेंजेस होते हैं, ठीक है, आपका कोई कंपटीटर है वो अगर डोमिनेट हो गया मान लो वन और टू ब्रांड्स है, ठीक है, थिंक अबाउट वेदर द इंडस्ट्री इज डोमिनेटेड बाय वन और टू ब्रांड्स, मतलब कि एक इंडस्ट्री एक ब्रांड ने एक इंडस्ट्री को कैप्चर कर लिया, जैसे आप इसमें रिलायंस का एग्जाम्पल ले लो, बहुत ज़्यादा डोमिनेट कर रखा है इस टाइम, ठीक है, बाकी इंडस्ट्रीज़ को बहुत हालत ख़राब कर दी थी बाकी टेलीकॉम इंडस्ट्रीज़ की, तो उसी तरीके से डिग्री ऑफ रिवेलरी अमंग कंपटीटर्स, ठीक है, तो ये देखता है नंबर एंड स्ट्रेंथ ऑफ योर कॉम्पिटिटर्स कितने हैं, उसके नंबर कितने, स्ट्रेंथ कितनी है, कितने आपके राइवल्स हैं, ठीक है, कौन है, उनकी क्वालिटी क्या है प्रोडक्ट की और सर्विसेज कैसे हैं, अगर आप अपने प्रोडक्ट से कंपेयर करते हैं। वेयर रिवेलरी इज इंटेंस कंपनीज कैन अटैक्ट कस्टमर्स विद एग्रेसिव प्राइस कट्स एंड हाई इंपैक्ट मार्केटिंग कैंपेन्स, जहाँ पर रिवेलरी बहुत तगड़ी हो जाती है वहाँ पर प्राइस कट्स हो जाते हैं। आप देखोगे जब रिलायंस जियो ने नेट फ्री खरीदा था तो एयरटेल और इन सब के प्राइसेस कितने नीचे गिर गए थे, ठीक है, डेटा के, ठीक है, तो वही सब ध्यान में देखा जाता है कि कंपटीशन कितना हाई है। ऑल्सो इन मार्केट्स विद लॉट्स ऑफ राइवल्स योर सप्लायर्स एंड बायर्स कैन गो एल्सवेयर इफ दे फील दैट दे आर नॉट गेटिंग अ गुड डील फ्रॉम यू। आज के टाइम में मेरे को बता दो किसके पास जियो नहीं है, ठीक है, तो आप सब जियो के साइड क्यों गए, क्योंकि वो आपको अच्छा प्रोडक्ट दे रहा था, आपको सस्ते में चीप दे रहा था, ठीक है, अब जियो ने भी रेट बढ़ा दिया, तो ये बेसिकली एक स्ट्रेटेजी थी उनकी, वट एवर, बट आप वहाँ तक गए, उन्होंने फ्री में दिया, ठीक है, स्टार्टिंग में, तो यही होता है मेनली, ये उसी को एक्सप्लेन कर रहा है, ठीक है। तो अब हम बात करेंगे फोर्थ पॉइंट की, बार्गेनिंग पावर ऑफ बायर्स।
बायर्स हु हैव अ हाई डिग्री ऑफ बार्गेनिंग पावर कैन इंक्रीज कॉम्पिटिशन अमंग ब्रांड्स एंड रिड्यूस ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी। जिनके पास जो खरीदने वाले लोगों के पास अगर बार्गेनिंग पावर बहुत अच्छी है तो कंपटीशन बढ़ सकता है ब्रांड्स में, ठीक है, और प्रॉफिटेबिलिटी कम हो सकती है बिजनेस की। हेयर यू आस्क योरसेल्फ हाउ इजी इट इज फॉर बायर्स टू ड्राइव योर प्राइसेस डाउन, हाउ मेनी बायर्स आर देयर एंड हाउ बिग आर देयर ऑर्डर्स, हाउ मच वुड इट कॉस्ट देम टू स्विच फ्रॉम योर प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज टू दोज ऑफ अराइवल, आर योर बायर्स स्ट्रॉन्ग एनफ टू डिक्टेट टर्म्स टू यू, व्हेन यू डील विद ओनली अ फ्यू सेवी कस्टमर्स दे हैव मोर पावर बट योर पावर इंक्रीजेज इफ यू हैव मेनी कस्टमर्स। तो बेसिकली व्हाट इट सेज कि आप देखोगे आपके बायर्स कैसे हैं, वो आप पर कितना ट्रस्ट करते हैं, उनके ऑर्डर कितने बड़े होते हैं, क्या वो अपने राइवल के पास जा सकते हैं, अगर प्राइस उनको कम मिलता है वहाँ पे तो वो पक्का जाएंगे, आर योर बायर्स स्ट्रॉन्ग एनफ टू डिक्टेट टर्म्स टू यू, क्या आपके वो स्ट्रॉन्ग इनफ है कि वो आपसे सामान लेंगे, ठीक है। तो अगर आप कुछ कस्टमर के साथ डील करते हो तो उनके पास ज़्यादा पावर होती है, बट आपकी पावर तब बढ़ती है अगर आपके बहुत सारे कस्टमर हैं तो आप ध्यान नहीं देते कुछ जा रहे हैं तो जाने को, तो ये बार्गेनिंग पावर ऑफ बायर्स। अब बात करते हैं लास्ट पॉइंट में बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर्स। समटाइम्स सप्लायर्स होल्ड मोर बार्गेनिंग पावर देन बायर्स, समटाइम्स सप्लायर्स के पास कभी कभी ज़्यादा बार्गेनिंग पावर होती है बायर से। इफ योर बिजनेस मॉडल मीन्स दैट यू परचेज आइटम्स फ्रॉम सप्लायर्स एंड देन मॉडिफाई देम और रीसेल देम टू कंज्यूमर्स, योर प्रॉफिट्स कुड बी एट द मर्सी ऑफ द सप्लायर्स। अगर आपका बिजनेस ऐसा है कि आप सप्लायर से कुछ परचेज करते हो, ठीक है, उसको मॉडिफाई करते हो और या फिर उसी को रीसेल करते हो कस्टमर को, तो आपके प्रॉफिट इस पर डिपेंड करते हैं आपके सप्लायर पे, राइट। दिस इज डिटरमाइंड बाय हाउ इज इट इजी इट इज फॉर योर सप्लायर टू इंक्रीज देयर प्राइसेस। आपके सप्लायर ने प्राइस इंक्रीज कर दिया तो क्या करोगे, आपका प्रॉफिट कम हो जाएगा। हाउ मेनी पोटेंशियल सप्लायर्स डू यू हैव, हाउ यूनिक इज द प्रोडक्ट और सर्विस दैट दे प्रोवाइड एंड हाउ एक्सपेंसिव वुड इट बी टू स्विच फ्रॉम वन सप्लायर टू अनदर, द मोर यू हैव टू चूज फ्रॉम द इजियर इट विल बी टू स्विच टू अ चीपर अल्टरनेटिव। अगर आपके पास ज़्यादा सप्लायर है तो आपके पास ज़्यादा चांसेस हैं आप किसी चीपर अल्टरनेटिव की साइड जा सकते हो अगर कोई सप्लायर के प्राइस बढ़ा देता है, बट द फ्यूअर सप्लायर्स देयर आर एंड द मोर यू नीड देयर हेल्प द स्ट्रॉन्गर देयर पोजीशन एंड देयर एबिलिटी टू चेंज यू मोर दैट कैन इफेक्ट योर प्रॉफिट। अगर आपके सप्लायर्स बहुत ही कम है किसी प्रोडक्ट को लेकर, मान लो एक दो ही सप्लायर हैं, ठीक है, और उन्होंने प्राइस बढ़ा दिया तो आप कहीं नहीं जा सकते और आपके प्रॉफिट पे यहाँ पे इंपैक्ट करेगा अगर आपसे ज़्यादा चार्ज करेंगे। तो ये बेसिकली 5 frameworks बताता है पोर्टर के, ठीक है, जिसमें क्या कहता है थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंट्स इन द मार्केट, ठीक है, उसके बाद थ्रेट ऑफ सब्सटीट्यूट्स प्रोडक्ट और सर्विसेज, डिग्री ऑफ रिवेलरी अमंग कॉम्पिटिटर्स, बार्गेनिंग पावर ऑफ बायर्स एंड बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर्स। तो ये कुछ 5 frameworks हैं, ठीक है। आई होप नाउ दिस इज क्लियर टू यू। बहुत ही ईजी है स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, जस्ट आपको मॉड्यूल्स होता है, कई बार आपके जो नोट्स रहते हैं ना वो इस तरह से नहीं होते, बहुत पैराग्राफ टाइप में होते तो वो समझ में नहीं आते, तो ये नोट्स आपको हेल्प कर सकते हैं चीज़ों को समझने में, इजी लैंग्वेज में आपको पढ़ने में, क्योंकि इसमें सिर्फ मॉड्यूल ही नहीं है, इसमें मैंने बहुत जगह से रिसर्च करके इसमें डेटा पुट किया था, ठीक है। सो दिस इज इट, इफ यू आर एंजॉइंग माई कंटेंट देन डू नॉट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो, डू शेयर विद द फ्रेंड्स एंड ऑल्सो सब्सक्राइब द चैनल एंड द बेल आइकन फॉर ऑल द अपडेट्स। ऑल द बेस्ट।